हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संदीप कुमार रावत स्वागत करता हूं आप सभी का अन अकेडमी स्टूडियोज इन ग्रेव पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑफ आर्टिकल, राइट? क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे, जिसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों को पढ़ेंगे। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और उससे पहले हम लोग जान लेते हैं अन अकेडमी स्टूडियोज इन ग्रेव के मेंबर्स के बारे में। उमाकांत शर्मा सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, विक्रम जी चौधरी सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, पवन राव सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, शंभु कुमार सर जीओ और जीएस में डील, राइट? अपने बारे में बताऊं तो मैं पिछले 8 सालों से एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूं। 1 लाख से ज्यादा लर्नर्स को मेंटोर कर चुका हूं एंड पॉपुलरली आई एम कॉल्ड अ वॉकिंग डिक्शनरी। ठीक है, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको आसानी से पता चल जाएगा कौन कौन से टीचर्स कब क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में यू हैव टू चूज योर गोल दैट इज एसएससी एग्जाम, और उसको चूज करने के बाद में आप एसएससी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एजुकेटर्स हैं सबको एक्सेस कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है अनअकैडमी प्लस के? अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो आप अपने फेवरेट टीचर्स से पढ़ते हैं, डेडिकेटेड डाउट सेशंस होते हैं, एक सब्सक्रिप्शन लेने का अनलिमिटेड एक्सेस होता है टू ऑल एजुकेटर्स इन दैट कैटेगरी रियल टाइम। ठीक है, बहुत सारे डाउट्स अपने आप पूछ सकते हैं और वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। दीज आर द टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी, यू कैन एक्सेस देम, राइट? बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। तुम्हारा महीने का सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपये का है। एस आर लाइव कोड अप्लाई करते हैं तो 10% का डिस्काउंट और वो हो जाता है 5,400 रुपीज का। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपका 9,600 रुपये का है। ठीक है, एस आर लाइव कोड अप्लाई करने पर 10% डिस्काउंट और 8,640 रुपीज का। चलिए अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल। कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल में अगर हम आर्टिकल की बात करें कि आर्टिकल कितने टाइप का है, आर्टिकल 2 टाइप का है बेटा। एक आपका डेफिनेट है, और क्या है, एक इनडेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट की अगर हम बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल द होता है, इनडेफिनेट की बात करें तो ए और एंड। ठीक है, राइट? तो आर्टिकल्स 2 तरह से होते हैं ग्रामर में। ठीक है, एक होता है आपका डेफिनेट, एक होता है आपका इनडेफिनेट। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आर्टिकल हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, फिर डेफिनेट और इनडेफिनेट की बात करेंगे। देखिए, कोई भी आर्टिकल अगर आता है तो किसके लिए आता है? नाउन के लिए। अगर नाउन नहीं है, ठीक है, इफ नाउन इज नॉट देयर, तो आर्टिकल का कोई वहां पर मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, राइट? आर्टिकल का वहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता, आर्टिकल का कोई मतलब वहां पर नहीं रह जाता। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखते हैं हम लोग। कि कैसे आर्टिकल नाउन के लिए आता है और विदाउट नाउन आर्टिकल का कोई मतलब नहीं रहता। अगर हमने आपसे कहा ही इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है, फिर हम कहते हैं ही इज आ गुड, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? अगर हम कहते हैं ही इज आ गुड, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? नो, एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज यहां पर आपने आर्टिकल तो लगाया है लेकिन इसका नाउन कहाँ है? नाउन इज मिसिंग, क्योंकि आर्टिकल का यूज किसके लिए होता है? नाउन के लिए होता है। अब यहां पर आपने लिख दिया बॉय, इज करेक्ट नाउन, इज अ गुड बॉय, क्लियर? बात समझ में आ रही है? इज अ ना।
अब यहां पर हम लोग देखते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या है। डेफिनेट आर्टिकल द है और इनडेफिनेट ए और एन। अब तीनों कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, द का, ए और एन का। डेफिनेट आर्टिकल द को क्यों कहा गया और डेफिनेट कब होता है? देखिए दो इंपॉर्टेंट होते हैं एक सेंटेंस में, उस सेंटेंस के बैकग्राउंड में, राइट। एक जो सेंटेंस को बोल रहा है स्पीकर और दूसरा जो सेंटेंस को सुन रहा है दैट इज लिसनर। अगर कोई भी नाउन के बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है तो ये बात वहां पर क्या हो जाती है? डेफिनेट हो जाती है, पक्की हो जाती है, क्योंकि अब दोनों को पता है बात, ठीक है। लेकिन अगर वही नाउन या कोई भी नाउन स्पीकर को भी नहीं पता और लिसनर को भी नहीं पता, या फिर स्पीकर को पता है और लिसनर को नहीं पता, तो वो भी क्या हो जाता है? इनडेफिनेट हो जाता है। इनडेफिनेट का मतलब कि अब वहां पर किसी एक को नहीं पता, या तो दोनों को नहीं पता है या फिर किसी एक को नहीं पता है, इसलिए वो डेफिनेट नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? इनडेफिनेट कहलाएगा। ठीक है, राइट। चलिए ना नेक्स्ट, अब यहां पर हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इस बात को देखते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे ये सारे रूम्स हैं, आर वन, आर टू और आर थ्री, ठीक है। ये सारे रूम्स और सब में क्या रखे हैं? चेयर्स रखी, ठीक है, चेयर्स रखी, राइट। पहली कंडीशन हमने दिया कि तीनों रूम में चेयर्स रखी। अब ए ने बी से कहा, ए ने बी से क्या कहा? ब्रिंग डैश चेयर फ्रॉम रूम। अब क्या होगा? कहा कि कोई भी चेयर किसी भी कमरे से ले आओ। भाई तीन कमरे हैं तो किस कमरे से लाएगा पता नहीं, ना स्पीकर को पता, लिसनर को, किसी भी कमरे में वो जा सकता है, ठीक है, राइट। तो यहां पर ये रूम क्या है? इनडेफिनिट है और कोई भी चेयर ले आएगा, क्योंकि बहुत सारी चेयर्स पड़ी हैं, तो चेयर भी इनडेफिनिट हो गया और रूम भी इनडेफिनिट हो गया। तो इनडेफिनिट आर्टिकल क्या लगा देंगे? ये लगा देंगे, ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम अ रूम। यस और नो? ठीक है, क्योंकि यहां पर कई हैं, कई चेयर्स हैं टोटल, उनमें से कोई भी ला सकता है, तो यहाँ पर इनडेफिनिट हो गया। और किसी भी रूम से ला सकता है तो भी इनडेफिनिट हो गया, ठीक है। ए का मतलब एनी भी होता है, ए का सेंस क्या होता है? एनी भी होता है, ठीक है, कोई एक, एनी वन, जिसके बारे में स्पीकर लिसनर को कोई कंफर्मेशन नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, यहां पर कई रूम्स नहीं बनाते हैं, यहां पर हम एक ही रूम से बनाते हैं, एक ही रूम बनाते हैं,
एक रूम में कई सारे चेयर्स हैं, एक रूम में कई सारे चेयर्स हैं। अब यहां पे हमने कहा ब्रिंग चेयर फ्रॉम रूम, तो रूम तो एक ही है, वो तो डेफिनेट है कि उसी रूम से लाएगा, तो स्पीकर को भी पता है और लिसनर को भी पता है। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहते हैं ब्रिंग आ चेयर, ठीक है, फ्रॉम अ पर्टिकुलर रूम है तो फ्रॉम द रूम, ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम द डन। ठीक है, क्लियर। कोई भी चेयर कहां से लानी है, रूम से लानी है, ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम द रूम, और कौन सा रूम है, पर्टिकुलर रूम है क्योंकि एक ही रूम है, तो अब ये स्पीकर को भी पता है और लिसनर को भी पता है। ठीक है, चल अब यहां पे रूम एक है और यहां पर क्या करना है, चेयर है, एक एक ही रूम एक ही चेयर, एक ही रूम एक ही चेयर, ब्रिंग डैश चेयर फ्रॉम रूम। ठीक है, तो एक ही रूम है दैट इज डेफिनेट, और एक ही चेयर है दैट इज ऑल्सो डेफिनेट। तो एक पर्टिकुलर चेयर एक किसी रूम एक पर्टिकुलर रूम से लाना है तो क्या हो गया, दोनों केस में डेफिनेट हो गया, तो ब्रिंग द चेयर फ्रॉम ठीक है। क्लियर, डन। चलिए अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और एक सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। आई हैव अ बैग, मैंने एक सेंटेंस कहा आई हैव अ बैग, और फिर हमने कहा एंड द बैग इज फुल ऑफ क्वाइल्स। ठीक है, मैंने कहा आई हैव अ बैग एंड द बैग इज फुल ऑफ क्वाइंस, मेरे पास एक बैग है और बैग क्वाइन से भरा है। ठीक है, आई हैव अ बैग एंड द बैग इज फुल ऑफ क्वाइंस। अब यहां पर बैग एक नाउन है, अब जब पहली बार बैग बोला गया तो उसके साथ हमने आर्टिकल ए लगाया, और जब दूसरी बार वही बैग बोला गया तो उसके पहले हमने आर्टिकल द लगाया। ठीक है, तो पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल है, दूसरे वाले साथ के साथ में आर्टिकल द। ठीक है, तो बात यहां पर यह है बेटा कि पहली बार बैग कैसा था, इनडेफिनिट था, और दूसरी बात कैसा हो गया, डेफिनिट हो गया। ठीक है, क्योंकि अब जब पहली बार बोला तो स्पीकर को तो पता था लेकिन लिसनर को नहीं पता था, तो इनडेफिनिट। अब दूसरी बार जब बोल रहा है तो स्पीकर को भी पता चल गया कि उसी बैग की बात कर रहे हो जो तुम्हारे पास है,
क्लियर? जो आशीष के पास है, अमित के पास है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो सेकेंड वाले केस में डेफिनेट बन जाता है और पहले वाले केस में वो इनडेफिनेट बन जाता है। यस और नो? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पहले वाले केस में क्या बन जाता है? वो इनडेफिनेट बन जाता है। दूसरे वाले केस में वो डेफिनेट बन जाता है। तो यहां पर बेसिक बात यही है कि डेफिनेट आर्टिकल कब यूज होता है? जनरली जब स्पीकर और लिसनर को पता हो। और इनडेफिनेट कब होता है? जब स्पीकर को पता हो लेकिन लिसनर को पता ना। राइट? चलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही खास बात, अगर किसी चीज पर एम्फेसाइज किया जाए, एम्फेसाइज मतलब जोर दिया जाए, तो वहां पर भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे ही इज द मैन हु गॉट द फर्स्ट रैंक। इज द मैन हु गॉट द फर्स्ट रैंक। अब ही इज द मैन हु गॉट द फर्स्ट रैंक है, ठीक है? तो यहां पर ही इज द मैन, हम द मैन, ये वही आदमी है जो फर्स्ट रैंक पाया है। तो मतलब अब इस आदमी पर जोर देकर कोई ना कोई इसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, ठीक है? तो डेफिनेट का ये सेंस ये भी है कि जब किसी चीज पे हम जोर दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हो, तो भी वहां पे हम द का यूज कर, इज द मैन हु गॉट द फर्स्ट रैंक। क्लियर? प्रेजेंटेड? श्योर? क्लियर? तो यहां पर आज तो एटलीस्ट आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल का और डेफिनिट आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्या है। राइट? कभी कभी टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है? तो एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से, ठीक है? क्या है रिवीजन में कि भाई द आपका डेफिनिट है और ये कहां यूज होगा? जब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो, ठीक है? और या फिर एम्फेसाइज किया जा रहा हो, बहुत ही जोर दिया जा रहा हो, ठीक है? पर्टिकुलर बनाया जा रहा हो। एक बात हम यहां पे करते हैं एम्फेसाइज के साथ में, पर्टिकुलर, ही इज द मैन Who has done it? ये वही आदमी जिसने पर्टिकुलर बना रहे, और ए और एन इनडेफिनिट जब स्पीकर को और लिसनर को दोनों को नहीं पता है। ठीक है? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर?
अब यहाँ पर देखते हैं स्पीकर लिसनर दोनों को नहीं पता है तो हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को पूरी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है, कि ए और एन क्या है, द क्या है एंड सो ऑन, ठीक है भाई। चलो तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।